नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों आज हम बी मेक क्रिएटर्स की एक वीडियो का एनालिसिस करेंगे। अभी उन्होंने हाल फिलहाल में एक वीडियो डाली है और दोस्तों उसका जो उन्होंने टाइटल और थंबनेल बनाया है पता है क्या है? वो है कि व्यूअर नहीं बनो, यूट्यूबर बनो। जी हाँ, व्यूअर नहीं यूट्यूबर बनो। तो दोस्तों कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट अब आ रहा है और यह लोग पता नहीं क्यों, बी मेक क्रिएटर का दोस्तों इतना बड़ा फैन हूँ मैं और महात्मा जी टेक्निकल और जो अमरीश अपने जो अमरीश भारती हैं दोस्तों बहुत ही अच्छे क्रिएटर हैं, पर पता नहीं क्यों उनको क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई उनको कॉपी करने की बसंत जागड़ा को। पता नहीं क्यों कॉपी कर रहे हैं, क्यों उनका जैसा थंबनेल वो यूज कर रहे हैं। और मज़े की बात तो यह है कि उनकी इस वीडियो पर दोस्तों व्यूज़ भी अच्छे सारे आए हैं। तो क्या यह व्यूज़ लाने के लिए किया उन्होंने? मुझको तो नहीं लगता। कितने बड़े क्रिएटर थे दोस्तों और वो उसमें थंबनेल में साफ लिख रहा है कि मेरे इतने दिनों तक मैंने जो टिप्स दिए वो सारे बेकार हैं और व्यूअर्स नहीं आप यूट्यूबर्स बनो। तो कहीं ना कहीं मुझको ऐसा यही लग रहा है कि दोस्तों यह यूट्यूबर बनो चैनल से इन्होंने कॉपी किया है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि भाई ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि मुझको ऐसा लग रहा है, मैंने उनकी काफ़ी वीडियोस देखी हैं महात्मा जी टेक्निकल बी मेक क्रिएटर्स की, कि उनके काफ़ी समय से व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा कम आ रहे हैं। जिस हिसाब से दोस्तों उनके 6 लाख प्लस उनके सब्सक्राइबर हो चुके हैं उस हिसाब से उनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम हैं। और जो अपना ये यूट्यूबर बनो है बसंत जागड़ा जी का चैनल, यह इसमें भी 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर ही हुए हैं और नया चैनल है और इसमें जो व्यूज़ हैं दोस्तों वो 1-1 लाख क्रॉस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को खटक रहा है क्योंकि पुराने क्रिएटर्स हैं, बहुत बड़े क्रिएटर्स हैं और उनको लग रहा है कि यार हमारे जो है व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो क्यों ना फिर इनका आइडिया कॉपी किया जाए। तो बस मेरा तो आपसे यही कहना है अमरीश भारती जी हाथ जोड़ के कि आप इतने अच्छे क्रिएटर हो, हम आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, आपकी सारी वीडियोज़ देखते हैं, तो आप किसी की कॉपी मत कीजिए। जबकि होना तो ये चाहिए कि बसंत जागड़ा जी आपकी कॉपी करे तब तो अच्छा भी लगेगा, और आप पता नहीं क्यों कॉपी कर रहे हो। मुझको बहुत दुख हुआ आपकी वीडियो देखकर, थंबनेल देखकर, कि आपने जो है उनका टाइटल आपने जो है यूज़ किया उसका कॉपी किया, मतलब अच्छा नहीं लगा। तो बस दिल की बात थी आपको बता दी थी, अगर आपको बुरी लगी है तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। और अगर आपको किसी को भी मेरी बात अगर बुरी लगी है तो मैं सबसे सॉरी कहता हूँ, लेकिन इतने बड़े क्रिएटर्स को नए यूट्यूबर का जो है कॉपी करना मुझे तो अच्छा ही लगता। आपको कैसा लगता है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बस यही था आज की वीडियो में, यही एनालिसिस करना था दोस्तों, और फिर मिलता हूँ किसी और बढ़िया सी वीडियो के साथ, फिर किसी और वीडियो का एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त हिमांशु को दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।